आज आपके वीडियो में बात करेंगे चार ऐसे मिथ जो शिलाजीत के लेके रिलेटेड है, जो कि है ना बहुत ऐसा समाज में भ्रम फैला हुआ है, उसको आज तोड़ेंगे। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीहू प्रिंस हेल्थ टिप में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिथ के बारे में बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि जो शिलाजीत है ना वो रॉ ही यूज़ करना चाहिए, बिना प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसलिए लोग है ना जब हिल स्टेशन पर जाते हैं, जैसे मनाली हो गया, तो फिर वहाँ पर जो भी शिलाजीत मिल रहा है, जितने भी रेट में मिल रहा है, वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता है कि रॉ यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो है ना सुनी सुनाई बातों पर विकन लेते हैं। चीज़ बताओ, जितना शिलाजीत को है ना प्रोसेस किया जाता है ना, तो उसकी है ना न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ये प्रोसेस हो जाता है ना तो फिर आपके बॉडी के लिए वो अच्छा हो जाता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि एकदम कच्चा या फिर रॉ जो मिल जाता है बिना छना हुआ वो ले लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सेकेंड बड़ा मिथ जो है, लोग कहते हैं कि जो शिलाजीत है वो गर्मी में नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है, सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश हो, आप कोई भी मौसम में ये ले सकते हैं और उस मौसम में ये बहुत यूज़फुल होता है। ये आपका पेट ख़राब चल रहा हो या फिर आपको लूज मोशन चल रहे हो, पेट में दर्द रह रहा हो, तो भी आप है ना शिलाजीत ले सकते हो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट वो भी बॉडी पार्ट में तकलीफ़ हो रही हो तो भी आप शिलाजीत ले सकते हो। पर जब अगर आपको कुछ ज़्यादा हीट बन रही हो और बीपी की तकलीफ़ रह रही हो तो एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल है तो फिर आप ना रूटीन में अपना जो शिलाजीत है वो ले सकते हैं। आप चाहे तो पानी में ले सकते हैं या फिर दूध में ले सकते हैं, दोनों हल्के गुनगुने होने चाहिए। और मटर के दाने जितना ही लेना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, आपको फ़ायदेमंद रहेगा। चले जाते हैं थर्ड मिथ की तरफ। लोग कहते हैं कि रोज़ रोज़ शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। ये कम्प्लीटली मिथ है। मेल ले सकता है, फीमेल ले सकता है, डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं। जो अडल्ट में जा रहे हैं, अडल्ट बन चुके हैं, तो वो सब ले सकते हैं। मिथ लोग कहते हैं कि जो शिलाजीत है वो वैगरा जैसा ही होता है। नहीं, उस वैगरा जैसा नहीं होता है, जिससे ना आपके शरीर में नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज होता है, और जो ज़्यादा जितना नेचुरली चीज़ें होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। जितना अच्छे तरीके से नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, वैसे ही आपके ना इच्छा शक्ति बढ़ेगी, अच्छे मसल्स डेवलप होंगे, आप अच्छे दिखने भी लगोगे, एनर्जेटिक रहोगे, आपको टेंशन नहीं रहेगा। ये टेस्टोस्टेरोन के बेनिफिट्स हैं। आप कहोगे कि है ना एक बार शिलाजीत लेके फिर उसके बाद है ना अब वायग्रा जैसा परफॉर्म होगा, वैसा नहीं होगा। आपको रूटीनली ये रोज लेना है और इसे कोई हार्म नहीं है। आज का जो वीडियो यहीं तक था, आपसे अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव जिसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।